अब खबर है वरोरा तहसील से, जहां तहसील के अंतर्गत संस्कार भारती पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने पालकों के साथ वेकोली प्रशासन से स्कूल परिसर के बगल से नियोजित रास्ता बनाने की मांग की। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस खबर में। वरोरा शहर से लगकर माडा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले संस्कार भारती पब्लिक स्कूल बीते लगभग 15 वर्षों से विद्यार्थी तैयार करने का संस्कार पूर्ण कार्य कर रही है, मगर वहीं स्कूल के सामने से वेकोली प्रशासन द्वारा कोयले की यातायात के लिए रास्ता निर्माण किए जाने की बात प्रकाश में आने से विद्यार्थी तथा पालकों में चिंता का वातावरण छा गया है और उन्होंने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्कूल परिसर के बगल से रास्ता बनाने की मांग की है। वहीं इस संदर्भ में पालकों की ओर से क्या कहा गया, आप स्वयं सुनिए उनकी जुबानी। सर्व पेरेंट्स वतीने मी इथे बोलू इच्छिते की मागील एक महिन्यापासून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना व राजकीय अधिकाऱ्यांना निवेदन देणं सुरू आहे। चिंतेची बाब आहे की शाळेला फक्त एकच रस्ता आहे आणि तो रस्ताच जर अधिग्रहित होत असेल तर शाळेत येण्याजाण्याकरिता दुसरा पर्याय नाही। अनेक निवेदन देऊनसुद्धा कुठल्याही शासकीय अधिकाऱ्याने समन्वय बैठक घेतली नाही। शाळेशी बोलणं केलं असता त्यांनी सांगितलं जी जमीन आहे कोण अधिग्रहित करताय WCL, आणि शाळेशी बैठक बोलणं केलं असता शाळेने सांगितलं आहे की त्यांनी हायकोर्टात रिट दाखल केलेली आहे। म्हणून आता रस्ता बांधण्यात आमचा कोणताच विरोध नाही आहे। हा रस्ता नेमका कुठून चालला? रस्ता चाललाय शाळेतून आणि शाळेच्या मधून रस्ता जात असल्यामुळे मुलांचा येणं जाण्याचा त्रास होईल आणि जर ट्रक जातील कोळसे भरलेले आणि डस्ट भरलेले तर त्याच्यामुळे पोल्युशनही होईल, मुलांना त्रास होईल, मुलांची रहदारी धोक्यात येईल, त्यांचं जीवन धोक्यात येईल। त्याच्यामुळे आमचं रस्ता बांधण्यासंबंधीचा विरोध नाही आहे, पण पर्यायी रस्ता काढावा जेणेकरून मुलांना आणि पॅरेंट्स किंवा शाळेत येणे जाणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला त्रास झाला नाही पाहिजे। वही इस संदर्भ में कुछ विद्यार्थियों ने भी प्रशासन से अनुरोध करते हुए क्या कहा, आप स्वयं सुने उनकी जुबानी। मैं इधर 5 साल से पढ़ रहा, बहुत अच्छे से चल रहा था सब कुछ, लेकिन 2 साल से कोरोना भी आया, उससे हमें घातक हुआ कोरोना के वजह से। और अभी मेरे को सुनने को आया है कि यहाँ पर गेट के पास से यहाँ से WCL का रोड जा रहा, और WCL का रोड बोले तो कोयला ये यहाँ पे चला जाता, मतलब ट्रांसपोर्ट करते रहते, और उसके वजह से यहाँ पर हमें एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन हो सकता, और उसके वजह से हमें हमारे मतलब सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकता, और हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता, इनके बड़े बड़े वाहक रहते उसके वजह से हमें अपघात भी हो सकता। और शासन से मेरी बहुत अच्छे से विनती है कि वो यहाँ से रोड ना बनाती हुए दूर से कहा तो भी बनाए, और